इस वीडियो में कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो में आज इलेक्ट्रिकल काम करेंगे और इस रूम में कुछ नहीं करने वाले, इस रूम के बाहर करने वाले हैं। तो वीडियो में मैं दिखाता हूँ आगे कि क्या करने वाले और कैसे करना है। तो यहाँ ढूंढने का मुझे कोई दुख नहीं बनता, अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहीं पर असली काम होने वाला। तो ये वाले फैन का ना रोटर बैलेंस नहीं हिल रहा है, वो बड़ी तेजी से, तो इसलिए हमें इसे चेंज करना है। ये नया फैन का डब्बा है और कटर, प्लास, पेचकस, टेस्टर चाहिए और दो वायर, और ये वो कप हैं जो लग जाते हैं एक ऊपर और एक नीचे की साइड। ये वो रॉड है जिस वजह से फैन हैंग कर रहा होता है, सब कुछ यही संभालता है। और ये अपना गारंटी वारंटी कार्ड जो रखा रहता है, और ये अपना रोटर है बीच में बड़ा वाला जो रोटेट करेगा, और ये वो पैकेट है जिसके अंदर वो हैंग करने के लिए इक्विपमेंट निकलते हैं। तो अभी भी डब्बा खोले तो तार इसमें ऐसे लगे हुए थे, तो जो फैन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो जो वायरिंग हो रखी है एक बार चेक करके देख लेना कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना चाहिए, नहीं तो तार बदलने पड़ते हैं। और अच्छे से वायर टाइट कर देना। और ये पाइप मैंने कप लगा दिया पहले, और फिर पाइप के अंदर से तार डाले मैंने, एक ब्लैक एक रेड, एक फेस न्यूट्रल के लिए। और ये जो देखना कि जो होल्स हो रखे ना वो मैच हो जाने चाहिए, होल्स मैच हो गए ना दोनों के दोनों, तो ये जो छोटा वाला स्क्रू है ये ऊपर की साइड लग जाएगा, और ये बड़ा वाला जो स्क्रू है वो लगेगा बीच में जो पूरे सिस्टम को हैंग करेगा। ऐसे दिखाई दे रहा है वायर लग चुकी है, स्क्रू छोटा वाला भी लग चुका, बड़ा वाला भी लग चुका, और अच्छे से टाइट करना। मैंने तो रिंच से किया है, तुम भी रिंच से करना, दोनों को एकदम पकड़ के टाइटली प्लास का यूज करना। और ये उसके ब्लेड हैं, ये तीन ब्लेड हैं, और देख लो ये ऐसे दिखाई देते हैं इसके तीन ब्लेड। तो फैन तो मैंने तैयार कर लिया, जैसे मैंने पीछे वीडियो में दिखाया कि कैसे कनेक्शंस वगैरह लगाए मैंने, और अभी मैं इसकी पंखुड़ियां लगा रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ सारी लगाने के बाद कि कैसा दिखाई दे रहा है। वैसे कि ये वाली जो साइड होती है ये तो नीचे दिखनी चाहिए जब वो रोटेट करेगा, तो इसको ऐसे लगाएंगे कि ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड आएगा जो बेंडेड है, और ये यहाँ पे इसके होल मैच करके ये जो स्क्रू निकालें ये लगाने। तो तीनों ब्लेड लगा दिए, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फैन तैयार हो चुका है। तो इसके सारी मैंने ब्लेड लगा दिए तीनों के, मतलब तीन ही तो ब्लेड थे, तो तीनों के तीनों ब्लेड मैंने लगा दिए इसमें। अब पुराना वाला जो पंखा है उसको उतारना पड़ेगा और इसको उसकी जगह पे लगाना पड़ेगा। तो इन्वर्टर बंद कर दिया मैंने, और जो मेन एमसीबी है अब वो गिरानी जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों कट हो जाएंगे, मतलब ये वाले फ्लोर के। ये रबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ लगानी पड़ेगी फैन के जो हुक के साथ, नहीं तो ये बहुत वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन होंगी इसके अंदर, तो ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होता है, और ये ऐसे दिखाई देगा। तो फैन तो रेडी हो चुका है, अब बस ये जो रबड़ है उसको निकाल रहा हूँ और हुक लगा के फिर उसके साथ रबड़ लगा के इसको लटकाते हैं। सेफ्टी के लिए मैंने एमसीबी गिरा दी जिसकी वजह से न्यूट्रल और फेस वायर नहीं आ रही इस फ्लोर के अंदर, तभी मैं अपने हाथों से पकड़ पा रहा हूँ तारों को और आराम से उनको स्ट्रिप कर पा रहा हूँ। फैन रेडी, प्लेट लगाना मत भूलना, मैंने प्लेट भी लगा दी, वायर भी लगा दिया, सब कुछ रेडी है, अब बस अब इसको ऊपर लटकाना है। इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ करनी होती है, मैंने नहीं की, लेकिन तुम सबको करनी है, मेरे पास थी नहीं इसलिए नहीं कर पाया मैं। क्वारंटीन का टाइम है, सारी शॉप बंद हो रखी है, इसलिए नहीं ले पाया, नहीं तो अगर इस दुकानें खुली होती तो मैं ले आता इलेक्ट्रिकल टेप। नाउ एवरीथिंग इज रेडी, फैन भी मस्त चल रहा है, स्टेबल है, रोटर भी नहीं हिल रहा है।